हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हल्का फुल्का भूख के लिए बहुत ही परफेक्ट सूजी बॉल। ये सूजी से बनने वाली नाश्ता बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होती है और बनाने में भी काफ़ी आसान है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे 2 गिलास पानी। इसमें डालेंगे जीरा, चिली फ्लेक्स और नमक। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो इसमें हम 2 कटोरी सूजी डालेंगे। जब हम सूजी डालेंगे तो एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से पानी में हम इसे चलाते जाएंगे, इससे ना लम्स नहीं बनते हैं। जब ये कढ़ाई छोड़ दे तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और अच्छे से गूँथ लें। गूँथने के बाद लोई लेंगे, छोटा छोटा सा लड्डू बना लेंगे। अब कढ़ाई में लेंगे पानी, उसके ऊपर डालेंगे छन्नी और सारे लड्डू को हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के बाद फिर से इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जितने लड्डू हमारे ठंडे हो रहे हैं उतने में कढ़ाई में लेंगे हम थोड़ा सा तेल। इसमें डालेंगे राई, यदि आपके पास सब्जी में शिमला गाजर हो तो सारे डाल दें। मेरे पास बस बीन्स अवेलेबल था तो मैंने बीन्स लिया, बारीक कटा हुआ प्याज लिया, हरी मिर्च लिया। मसाले में मैंने बहुत कम कम करके मसाले डाले, जैसे कि धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर और चाट मसाला। हाँ, याद करके थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दें, बिना नमक का तो टेस्ट ही नहीं है। इसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। चाहे तो आप इसके साथ केचप वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बहुत मस्त लगते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको नई नई वीडियो हर दिन मिलेगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय।